शिवसेना से सांसद संजय रावत ने कुछ दिनों पहले कोरोना वायरस को लेकर सामना अखबार में एक लेख लिखा है जो हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं। ईश्वर ने मैदान छोड़ा। कोरोना विषाणु का कहर ऐसा है कि मानो सभी शक्तिशाली देश मृत प्राय हो गए। मक्का से वेटिकन सिटी तक, बौद्धगया मंदिर से श्रीडी सिद्धिविनायक तक स्वतंत्र सन्नाटा पसरा है। इंसान पर आने वाले हर संकट के समय सबसे पहले ईश्वर मैदान छोड़कर भागते हैं। कोरोना के कारण धर्म, ईश्वर सभी निरुपयोगी हो गए हैं। कोरोना वायरस की चपेट में पूरी दुनिया छटपटाती हुई दिख रही है। दूसरे विश्व युद्ध के समय भी दुनिया इतनी परेशान नहीं दिखी थी। खुद को सुपर पावर समझने वाले कई देश कोरोना वायरस के समक्ष बेबस हो गए हैं। चंद्रमा और मंगल पर कदम रखने वाले अमेरिका में राष्ट्रीय आपदा और आपातकाल घोषित हो गया है। एक समय पूरी दुनिया पर राज करने वाले ग्रेट ब्रिटेन ने खुद को ही बंद कर लिया है। महारानी एलिजाबेथ को उनके राजभवन से अलग कर दिया है। कई बड़े देशों में ऐसा हो रहा है। प्रकृति द्वारा इंसानी अहंकार, धर्म और ईश्वर को दी गई ये शिकस्त है। संत समय इंसान ईश्वर की शरण में जाता है, लेकिन कोरोना के कारण उल्टा ही हो गया है। फिलहाल तो धर्म राजनीति में सबसे बड़ा निवेश बन गया है, लेकिन कोरोना प्रकरण में खुद ईश्वर को ही विषाणु से सुरक्षित रखने का समय आ गया है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध ऐसे सब धर्मीय देश मानो मृत प्राय हो गए हैं। महाराष्ट्र का ही नहीं बल्कि देश के देवालय कोरोना के डर से बंद करने पड़े हैं। भक्तों का तेज है इसलिए मंदिर में पत्थर की मूर्तियों को देवत्व मिला है। भक्तों का तेज खत्म हो गया इसलिए वैसे देव और वैसा देवत्व। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस फैले नहीं इसलिए सिद्धिविनायक मंदिर बंद कर दिया गया। तुलजापुर का भवानी माता मंदिर, कोल्हापुर का महालक्ष्मी मंदिर, पुणे स्थित डगड़ू सेठ हलवाई गणपति मंदिर, त्रिभुवेश्वर मंदिर बंद कर दिए गए हैं। शिरडी की सुखपुगाहट है मुंबई स्थित बाबूनाथ मंदिर बंद कर दिया गया है। देवताओं ने कई असुरों का वध किया ऐसे पुराणों में कहा गया है, लेकिन एक विषाणु ईश्वर पर भारी पड़ गया है। मक्का से वेटिकन और बालाजी से बोधगया मंदिर तक COVID-19 अर्थात कोरोना ने सिद्ध कर दिया है कि इंसानों पर आने वाला हर संकट के दौरान सबसे पहले ईश्वर मैदान छोड़कर भागते हैं। ऐसा तस्लीमा नसरीन ने हाल ही में कहा है। मक्का में सब कुछ ठप है। पोप का ईश्वर से वार्तालाप फिलहाल बंद है। पुजारी मंदिरों में मूर्तियों को मास्क पहनाकर कर्मकांड कर रहे हैं। सर्वधर्मीय लोग व उनके ठेकेदारों ने कोरोना वायरस से डरे हुए इंसानों का असहाय और बेसहारा बनाकर छोड़ दिया है। उसी धर्म के लिए हिंदुस्तान सहित दुनिया भर में खून खराबा और हिंसा हो रही है, लेकिन कोरोना के हमले से एक भी धर्म बाकी नहीं बचा है। इससे कोई सबक सीखेगा क्या? मंदिर में पैगंबर मोहम्मद जहां दफन है वहां की तीर्थ यात्रा स्थगित कर दी गई है। इस बार कोरोना के कारण हज यात्रा भी हो पाएगी या नहीं इस पर भी संदेह है। कई मस्जिदों में जुम्मे की नमाज स्थगित कर दी गई है। कुवैत में विशेष अजान करके लोगों से घर में ही इबादत करने को कहा गया है। मौलवी भी अब इस्लाम खतरे में की बांग देते नहीं दिख रहे और कोरोना से रक्षा करने के लिए मस्जिद में जाकर अल्लाह से दुआ मांगो ऐसा नहीं कह रहे, क्योंकि इन सभी धर्मों के ठेकेदारों को जब विश्वास हो गया है कि अल्लाह अब हमें नोवल कोरोना वायरस से बचाने नहीं आएगा। सिर्फ वैज्ञानिक ही बचा सकते हैं जो वायरस के खिलाफ वैक्सीन ढूंढने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। कोरोना के सामना करने में मंत्रों वाले भगवान असमर्थ सिद्ध हुए। गौमांस घरों में रखना धर्मद्रोह है ऐसा तय करके इंसानों को मारा गया, लेकिन जो गौमांस नहीं खाते वो भी कोरोना का शिकार बने। महाराष्ट्र में गाड़गे बाबा ने जो कहा था अंत वही सही साबित हुआ। मन्नत, चढ़ावा, ईश्वर, धर्म सही नहीं है, इंसानियत का यही धर्म है। ऐसा कहने वाले गाड़गे बाबा मंदिरों में ना जाएं, मूर्तियों की पूजा ना करें, ईश्वर के समक्ष पैसा फूल मत चढ़ाएं, चरणामृत ग्रहण मत करें, सत्यनारायण को मत पूजें, पोथी पुराणों को के चमत्कारों पर विश्वास मत करें, प्राणियों की हत्या मत करें, शराब ना पिए, साहूकारों से कर्ज ना लें, अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, ऐसा गाड़गे बाबा भजन के दौरान कहते थे। गाड़गे बाबा ने किसी भी मूर्ति के समक्ष कभी भी गर्दन नहीं झुकाई। वे विज्ञानवादी संत थे। मन्नत चढ़ावों से महामारी नहीं भागती ऐसा उन्होंने कहा। वे एक बार फिर सही साबित हुए। यीशु ने चमत्कार नहीं किया, मक्का मदीना ने चमत्कार नहीं किया और ईश्वर भी लोगों से अलग हो गए। अंत विज्ञान में चिकित्सीय ज्ञान के जोर पर इंसान ही कोरोना से लड़ रहा है। लोगों को घर बैठना पड़ रहा है, लोगों का रोजगार छिन गया है, ईश्वर की दान पेटी में पैसा घट गया है, ये सच्चाई है। लेकिन लोगों की मदद के लिए धर्म की कोई शक्ति नहीं आई। मुंह पर कपड़ा बांधना ही पड़ा और सैनिटाइजर नामक द्रव से हाथ लगातार साफ करते हुए
अनवरत काम करना पड़ रहा है। अंत, ईश्वर पत्थर के ही हैं और इंसान ही वास्तविक है। कोरोना वायरस के कारण दुनिया भर में कुल 1.5 करोड़ लोगों को फटका लगेगा। मौत बड़ी संख्या में होगी। मंदी और आर्थिक अराजकता से कत्ल, भूखमरी और अपराध बढ़ेंगे। अमेरिका, चीन, यूरोप जैसे देश बेबस हो जाएंगे। हिंदुस्तान की आर्थिक दशा दयनीय हो जाएगी। प्रकृति पर विज्ञान की जीत असंभव है। एक अज्ञात गुण शक्ति ईश्वर का निरंतर करती है। वह शक्ति अर्थात ट्रंप, मोदी अथवा चीन के सत्ताधीश नहीं है। चीन के एक मछली बाजार से पांव पसारने वाला ये विष अणु दुनिया को भारी पड़ रहा है और ये सभी देश अणु बम प्रक्षेपास्त्र की सफलता में अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। कोरोना वायरस शुरू होने से हमारे प्रधानमंत्री मोदी को हिंदुस्तान में फंसे रहना पड़ा। उसमें से ये भी लाभ की बात है, देश में संपत्ति नहीं है इसलिए देश भिखारी हो रहा है, अथवा देश में संपत्ति होने के बाद भी सम्मान वितरण नहीं हुआ तो देश भिखारी होता है। अब कोरोना नामक एक विषाणु के कारण देश व दुनिया भिखारी बनती दिख रही है। देश, इंसान और हमारे धर्म के सभी देवता भी गरीबी के संक्रमण में गुजर रहे हैं। कोरोना के कारण शेयर बाजार स्पष्ट रूप से धराशायी हो गया है। उसमें अंबानी से लेकर अडानी तक कई अमीर थोड़े गरीब हुए हैं। इसी तरह हमारे दुनिया भर के भगवान भी गरीब हुए हैं। भक्ति के बगैर नेता और ईश्वर अमीर नहीं होते। सिद्धि विनायक मंदिर से तुलजापुर मंदिर तक, मक्का से वेटिकन सिटी तक देवताओं की चौखट पर सन्नाटा है। कोरोना ये क्या कर दिया। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।